परशेरा वाली माता का टेम्पल है और ये टेम्पल अपने आप में खास है। हेलो गाइस, गाइस मैं आज आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के अलवर ज़िले में पड़ने वाले माचाड़ी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध बिराई माता मंदिर में। ये बिराई माता मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ये टेम्पल करीबन 400 वर्ष पुराना है, जो अपने आप में ही लोगों को दूर से अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस मंदिर के दोनों साइड टावर बनाए हुए हैं, देख सकते हैं, एक टावर ये है और एक आगे की साइड है एक टावर। तो ऐसा मंदिर आज के समय में बनना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जा रही है मंदिर की तरफ, तो हम चलते हैं आगे। इस मंदिर के पास में ही एक रास्ता जा रहा है और इस रास्ते के बगल में ही माता का टेम्पल है, तो चलते हैं ऊपर। मंदिर की तरफ ऊपर जाने पर करीबन हमें यहाँ 50 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेगी। और इस मंदिर के बगल में यहाँ पर शिवालय है, जो भोलेनाथ का शिवालय आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी प्राचीन है ये, बहुत ही पुरानी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ऊपर की ओर चलते हैं। मैं इन बंदरों के पीछे पीछे चल रहा हूं और ये अचानक ही मेरे साथ चल दिए हैं। मंदिर में अंदर पहुंच चुका हूं। यहां से पूरा माचाड़ी जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। सामने पहाड़ हैं और यहां माता की ध्वजा लगी हुई है। यहाँ पर राजा अपनी रानी के साथ पूजन करने के लिए आते थे। ये अलवर के रियासत काल के समय का मंदिर है। तो चलिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एक टावर बनाया हुआ है और ये टावर यहाँ से निगरानी रखने के लिए बनाए गए हैं। देख सकते हैं, यहाँ से एक रोड जा रहा है, रास्ता जो कि माचाड़ी को राजगढ़ क्षेत्र से जोड़ता है। ये काफी अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में। यहाँ से मंदिर का दृश्य बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। मंदिर में बालाजी, भैरू बाबा और कई देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। दोस्तों, ये स्थान हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सामने माचाड़ी गांव दिखाई दे रहा है और पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इस मंदिर में ही भैरू बाबा का यहाँ पर एक स्थान है जो बनाया हुआ है। इस छोटे से मंदिर में भैरू बाबा विराजमान है। ऊपर पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और बंदर अठेलिया कर रहे हैं। चलते हैं अब ऊपर मंदिर में। के दरबार में भक्तों की बहुत अधिक संख्या में भीड़ रहती है। लोग मन्नतें मांगते हैं, माता के दरबार में आते हैं। देख सकते हैं मंदिर को आप। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, इस मार्ग से लोग परिक्रमा देते हैं, मंदिर में आते हैं। ये मैं अंदर से आपको मंदिर का दृश्य दिखाना चाहता हूं। फिलहाल मंदिर के पट बंद है।
मैंने कि एक पर्सन से पूछा था, मुझे यहाँ मिले थे, वो यहाँ बताते हैं कि माता जो यहाँ माता का जो ये मंदिर है, यहाँ पर माता खुद इस पहाड़ों में से खुद प्रकट हुई थी और ज्वाला स्वरूप अवस्था में प्रकट हुई थी। यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए माता ने यहाँ पर प्रकट हुई। दोस्तों मुझे यहाँ पर आकर बड़ी खुशी मिली है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ इस जगह आएं और माता के दर्शन करें। नीचे का एक दृश्य है, चलते हैं अब मंदिर से।